सावन के शुरू होते ही शिवालयों में सावन के पहले सोमवार को शिव के भक्तों की भीड़ जमा होना शुरू हो जाता है। वहीं मथुरा के प्रसिद्ध गलतेश्वर मंदिर पर भगवान शंकर की पूजा करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। जल चढ़ाकर पूजा करते ये लोग हैं शंकर भगवान के भक्त, और आज सावन के पहले सोमवार को पूजा कर मना रहे हैं अपने भगवान शंकर को। कहा जाता है यहाँ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, वहीं सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। गलतेश्वर मंदिर की मान्यता के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, और जब भगवान राम के भाई शत्रुघ्न ने लवनासुर का वध किया था तभी से ये मंदिर यहाँ स्थापित है। कहा जाता है कि मथुरा शहर में चार भगवान शिव के प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें से गलतेश्वर महादेव का मंदिर भी प्रमुख है। मान्यता है कि मथुरा शहर में भगवान शिव कृष्ण की रक्षा करते थे। नाम आपका? मिथिलेश अग्रवाल। मिथिलेश जी, क्या मान्यता है मंदिर की और क्या श्रद्धा है? हम तो यहाँ 12 साल से 15 साल से देख रहे हैं, आ रहे हैं। इतनी शुद्ध पीठ है ये कि मतलब यहाँ पर जो भी कुछ मांगो वो पूरा होता है। अगर तुम्हारी ट्रेन कोई भक्त आता है और यहाँ कहता है कि हम लेट हो रहे हैं, हमारी ट्रेन रुक जाएगी, और ट्रेन भक्त के लिए इतनी शक्ति है यहाँ पर, हमने अजमाया है, ये सारी बातें अजमाई हैं। बहुत ही सिद्धपीठ हैं, हर इच्छा पूरी होती है, बहुत मान्यता है, सभी भक्त बहुत आते हैं यहाँ पर शाम, और बहुत अच्छा मतलब लगता है यहाँ पर, इतना आनंद आता है। क्या नाम? नंद कुमार। क्या मान्यता है मंदिर की और कितना पुराना? काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और दोनों प्रतिमाओं की उत्पत्ति यहीं से है, और जैसी बाहर प्रतिमाएं दिख रही हैं वैसे अंदर पाषाण की प्रतिमाएं हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कवर चढ़ाया हुआ है। मान्यता ये है कि यहाँ भी पूजा करने भक्त लोग आते हैं, उनकी भगवान मनोकामना पूरी करते हैं, दीपक जलाने से या दर्शन करने से या जल चढ़ाने से, जैसी भी जो मान्यता धारण कर लें। सावन का सोमवार है, इसकी कोई विशेष मान्यता? सावन में विशेष महत्व होता है भगवान शंकर की पूजा करने का, पूरा महीना ये सावन का है। कहा जाता है कि अगर कोई कुंवारी कन्या जिसकी शादी ना हो वो यहाँ आकर नियमित रूप से जल चढ़ाए। जी जी, तो भगवान उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, उसको मनोवांछित फल बर मिलता है। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।